22 जनवरी को जहां सारे देश में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही भाव और अनूठे तरीके से बनाया जा रहा है, वहीं कोसी कला में भी यह कार्यक्रम बहुत ही विशाल तरीके से आयोजित हो रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की झांकियां, दीपदान, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, सारे नगर में उत्सव का माहौल है। वहीं कोसी कला आर्य समाज द्वारा भी इस दिन अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कोसी कला आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर अमर सिंह पोनिया ने बताया कि यह बहुत ही पावन पुनीत दिन है जहाँ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस दिन आर्य समाज द्वारा प्रातः हवन यज्ञ का कार्यक्रम होगा, इसके बाद नगर में शोभा यात्रा के साथ आर्य समाज की झांकी भी निकाली जाएगी, जिसमें आर्य समाज की महिलाएं वीरांगनाओं द्वारा लाठी, बनेठी, तलवार आदि का अखाड़ा भी झांकियों के साथ निकलेगा। उन्होंने समस्त नगर वासियों से इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने, मंदिर में हवन यज्ञ करने, शाम को दीपदान आदि करने की अपील की है। आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर अमर सिंह पोनिया ने आए हुए सभी पत्रकारों को पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। बुलाइए, किस अपेक्ष में बुलाइए, सापेक्ष में बुलाइए, बताएं। आज हमने जो पत्रकार महोदयों से निवेदन किया है वो ये क्या, कल 22 तारीख है और पूरे विश्व में श्री राम का डंका बज रहा है और 500 वर्ष बाद ये श्री राम मंदिर का पुनः निर्माण हो रहा है। इसमें लगभग 5 लाख हमारे भाइयों ने अपनी जीवन का बलिदान किया है, तब हमें एक खुशी का मौका देखने को मिला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में, विशेषकर हमारे भारत में दीपावली तो मनाई जाती है, लेकिन ये एक कल से 22 जनवरी से दूसरी दीपावली का रूप होने जा रहा है। तो हम इस अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं और मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि सभी अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, अपने घर के ऊपर ध्वज पहनाएं, भगवा ध्वज, और नए वस्त्र पहन के जो भी आपके नज़दीक मंदिर हो अपने मंदिर में जाएं, घर में पकवान बनवाएं और बड़ी धूमधाम से कल का इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को धूमधाम से सभी लोग मनाएं। डॉक्टर साहब, नगर में जो शोभा यात्रा निकल रही है उसको लेकर क्या? कल नगर में बहुत विशाल शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें विशेषकर सभी जितने भी संगठन हैं सब संगठन अपनी तरफ से झांकियां निकाल रहे हैं। आर समाज का प्रधान होने के नाते में तो आर समाज की भी उसमें भूमिका रहेगी। कल सुबह 8:30 बजे आर समाज मंदिर में हवन होगा और हवन के बाद हमारी जो आर्य वीरांगना दल की बेटियां हैं वे अपने लाठी, डंडा, तलवार, डंडिया का नृत्य प्रदर्शन करती हुई पूरे शहर में निकलेंगी। ये आर समाज की तरफ से कल कार्यक्रम होगा। आज कोई कार्यक्रम रखा गया, झंडा वितरण या आपको दोपहर? नहीं, अब नहीं।